प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है रमदान ट्यूटोरियल में। माध्यमिक 2022 के लिए हम लोगों ने सुना था अपने पिछले वीडियो में कि ऐसा पॉसिबल है कि वेस्ट बंगाल बोर्ड दिसंबर मंथ में एग्जामिनेशन ले। अगर कहीं दिसंबर मंथ में वेस्ट बंगाल बोर्ड अपने किसी एग्जामिनेशन के आइडिया के साथ आता है तो हमें अपनी तैयारी कर रखनी पड़ेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड हमेशा अपना सिलेबस बहुत लेट से अनाउंस कर रहे हैं। अगर इस ईयर भी सिलेबस के आने में लेट हुआ तो हमारे प्रिपरेशन पे इसका असर पड़ेगा। मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा हो, इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक एक्सपेक्टेड सिलेबस डिस्कस करूँगा। एज ए एक्सपीरियंस टीचर, जो मुझे लगता है कि जिस तरह से सिलेबस डिज़ाइन होना चाहिए, बिल्कुल वही चीज़ मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस जो एक्सपेक्टेड है, जो आपको एटलीस्ट कर लेनी चाहिए, आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स के सिलेबस के साथ। सबसे पहले स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स का सिलेबस आसानी से आपको दिख रहा होगा, समझ आ रहा होगा कि हमारे पास अरिथमेटिक, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये चार ब्रांच है। ऑब्वियस सी बात है, इन चार ब्रांच में से अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो ऐसा नहीं है कि दो आएंगे और दो बाद में दिए जाएंगे, इन चारों ब्रांच में से क्वेश्चन आएंगे। तो कौन से चैप्टर में से या एक ब्रांच में से कितने चैप्टर्स हैं जो आ सकते हैं, चलिए उनको एक एक करके इलैबोरेटली समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने अरिथमेटिक के ब्रांच में चलते हैं। अरिथमेटिक का ब्रांच आपके स्क्रीन पर है। आपको मैंने बताया था कि इसमें हमारे पास तीन चैप्टर्स हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और पार्टनरशिप बिजनेस। सिलेबस में जैसा कि हमें पता है एग्जैक्टली 50% ऑफ सिलेबस हमारे, या क्लोज टू 50% ऑफ सिलेबस हमारे सिलेबस में एग्ज़ाम में आने वाला है, लेकिन हम 50% से थोड़ा ज़्यादा करके रखेंगे ताकि हम सेफ साइड में रहें। और अगर हम थोड़ी मेहनत करके अभी कुछ ज़्यादा पढ़ लेते हैं उससे हमें नुकसान नहीं है, हाँ आगे के लिए फ़ायदा ज़रूर होगा। इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको उस तरह से पढ़ाऊं जिसमें 60% 50 से ज़्यादा 60-65% तक आपका सिलेबस कवर कर दूं दिसंबर से पहले, और आप तैयार हो पाए अपने माध्यमिक एग्जामिनेशन के लिए। इसलिए अरिथमेटिक में हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इन दो चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। पार्टनरशिप बिजनेस फिलहाल मुझे लगता है कि आपको एनुअल के लिए, या फिर ये कह सकते हैं कि माध्यमिक 22 अगर अप्रैल में कहीं होता है ऐसे किसी टाइम के लिए छोड़ देना चाहिए। और अगर ऐसा होता है, वेस्ट बंगाल बोर्ड इंटरमीडिएटली कोई भी सिलेबस अनाउंस नहीं करती है और वो दिसंबर में एग्जामिनेशन नहीं लेती है, ओके वेल एंड गुड, क्योंकि हम दिसंबर से पहले इसे ज़रूर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा दो टारगेट होने वाला है 216 अरिथमेटिक ब्रांच में से। अगला एल्जेब्रा ब्रांच में, आपको पता है यहाँ पर चार चैप्टर्स है, एंड ऑब्वियस सी बात है हम पहले दो चैप्टर्स को यहाँ कवर करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल और रेशियो एंड प्रोपोर्शन को। क्वाड्रेटिक सर्ड्स भी, इवन कि ये नाइन्थ नंबर चैप्टर है और टोटल अगर हम रिड्यूस सिलेबस को देखें तो उसमें केवल 18 चैप्टर्स हैं, तो इसके आने के चांसेस हैं, लेकिन फिलहाल हम इसे नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर फोर चैप्टर्स में से ये दो बड़े बड़े मेजर चैप्टर्स हैं जिन पर हम ऑलरेडी जिन्हें हम कंप्लीट करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल और रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो ये रहेगा एल्जेब्रा में से। नेक्स्ट ब्रांच हमारा ज्योमेट्री का है। ज्योमेट्री में आपको पता है कि यहाँ पर भी दो ब्रांचेस है, ज्योमेट्री के अंदर में थ्योरम और कंस्ट्रक्शन है। थ्योरम के अंदर में हमारे पास चार चैप्टर्स है, 3, 7, 15 और 18। इसमें से मैं कहूँगा कि 3 और 7 का प्रिपरेशन आपको कर लेना है। अगर आपके पास अपना बुक है अभी तो प्लीज़ इन चैप्टर्स को मार्क करते हुए जाइए, जिन सिलेबस चैप्टर्स को हम सबसे पहले कवर करने वाले हैं। 3 और 7 को कवर करने के बाद हम कंस्ट्रक्शन वाले पोर्शन में आ सकते हैं। चलिए अब हम ज्योमेट्री के कंस्ट्रक्शन में से देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन में एक चैप्टर होगा सर्कम सर्कल एंड इन सर्कल, और दूसरा है 17 टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। मुझे लगता है कि आपको चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सर्कल, सर्कम सर्कल एंड इन सर्कल, इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए इस एग्जामिनेशन के लिए, अगर दिसंबर की आपको तैयारी करनी है तो। नेक्स्ट ब्रांच जो हमारा होगा वो होगा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हमारे पास चार चैप्टर्स है, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर और कोन। इनमें से मैं सजेस्ट करूंगा कि आप क्यूबॉइड और सिलेंडर को ज़रूर कंप्लीट कर लें, स्फीयर और कोन को आप बाद में कर सकते हैं, तो आप ज़रूर क्यूबॉइड और सिलेंडर्स को कंप्लीट कर लें। ये रहा हमारा मैथ्स का सिलेबस। मैथ्स के सिलेबस में मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आपको तैयारी करनी है, तो हम लोगों ने अपना मैथ्स का सिलेबस देख लिया। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे बाकी सब्जेक्ट के सिलेबसेस में क्या है। मैथ्स बहुत कंफ्यूजिंग था क्योंकि इसमें अलग अलग ब्रांचेस दिए गए थे, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में चैप्टर्स दिए गए हैं तो काफ़ी आसान होगा, लेकिन यहाँ ज्योग्राफी हमें थोड़ा परेशान करेगा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे इंग्लिश का सिलेबस के साथ। अगर आप इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज के हिसाब से चूज़ किए हुए हैं तो आपको पता है आपके सिलेबस में ये 5 चैप्टर्स हैं। इनमें से मैं आपको कहूँगा कि फर्स्ट 3 सब्जेक्ट्स चैप्टर्स को आप जरूर कंप्लीट करें, फादर सेल्फ, फेबल एंड द पासिंग अवे ऑफ बापू, इनको जरूर कंप्लीट कर लें, और रिमेनिंग 4 और 5 को सेकेंड हाफ के लिए रखें। ग्रामर और राइटिंग स्किल में कोई भी सजेशन नहीं होगा, मैं एक सजेस्ट करूँगा कि ग्रामर और राइटिंग स्किल में जो भी बोर्ड ने आपको करने के लिए कहा है सब कुछ पूरी तरीके से कंप्लीट कर लें। सेकेंड लैंग्वेज के लिए ये हमारा सजेशन रहेगा।
मैथ्स के लिए मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिलेबस बता दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर आपने इनको मार्क कर रखा हुआ है तो ये हमारा वो सिक्वेंसली 18 चैप्टर्स है जो आप लोगों को दिया गया था, लेकिन मैंने इसे मार्क करवा दिया कि किन किन चैप्टर्स को आपको किन किन ब्रांचेस से करनी है। बोर्ड के हिसाब से देखा जाए ये टोटल 18 चैप्टर्स है, और इनमें से इन 18 चैप्टर्स में से फर्स्ट 9 चैप्टर्स को कर लेना, ये आइडिया सही लगता है, लेकिन इतना परफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको समझ आ रहा है इसमें अलग अलग ब्रांचेज है और किसी भी ब्रांच में को आप बात दे देंगे, क्योंकि अगर फर्स्ट 9 चैप्टर्स को करेंगे तो आपको दिख रहा है कि कंस्ट्रक्शन के ब्रांच में से आपने कोई क्वेश्चन एक्चुअली चूज ही नहीं किया, तो ऐसी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने कहा है कि जो तरीका मैंने समझाया है होपफुली वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा अगर इस तरह का सिलेबस अनाउंसमेंट आता है। तो आगे बढ़ना चाहेंगे फिजिकल साइंस के सिलेबस की तरफ। फिजिकल साइंस भी हमारे लिए थोड़ा कन्फ्यूजिंग होने वाला है। क्यों होगा ऐसा कन्फ्यूजन? क्योंकि फिजिकल साइंस के अंदर में 3 ब्रांचेस है, कॉमन एरिया, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। कॉमन एरिया में हमारे पास 3 चैप्टर्स है, कंसर्न अबाउट आर एनवायरनमेंट, बिहेवियर ऑफ गैसेस, केमिकल कैलकुलेशन। मैं सजेस्ट करूंगा कि कंसर्न अबाउट आर एनवायरनमेंट, बिहेवियर ऑफ गैसेस को जरूर कीजिएगा, केमिकल कैलकुलेशन जो कि कॉमन एरिया का क्वेश्चन है प्लीज़ इसे मत कीजिए। लाइट और कंटेंट इलेक्ट्रिसिटी में से लाइट जरूर कीजिए क्योंकि ये फिजिक्स का चैप्टर है, और केमिस्ट्री में से पीरियोडिक टेबल और आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग को कर लीजिए। अगेन बोलूंगा कि मैंने छोड़ा है सिर्फ 3 चैप्टर आउट ऑफ द होल सिलेबस, लेकिन ये 50% से ज़्यादा होते हुए भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, इसलिए प्लीज़ इसे ही फॉलो कीजिएगा। कम से कम इतना जरूर दिसंबर मंथ से पहले कंप्लीट कीजिए। अगर ये नॉर्मल एकेडमिक ईयर होता तो मैं आपको बता दूं आपको ये सिलेबस नवंबर मंथ से पहले कंप्लीट करना होता, क्योंकि नवंबर मंथ में आप लोगों को एक सेंटअप टेस्ट देना पड़ता है जिसके बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है आर यू रेडी फॉर द माध्यमिक 20 नेक्स्ट ईयर और नॉट। तो अगर 22 में आपका माध्यमिक एग्जामिनेशन होता तो इसे डिसाइड करने के लिए आपको रेगुलर टाइम पे इस मंथ नवंबर मंथ में एग्जाम देना होता, और मैं अभी आपसे दिसंबर मंथ के लिए कह रहा हूँ, तो आप समझ ही सकते हैं अगर एकेडमिक ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो 50% को नवंबर में ख़त्म करना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए थी। अगर अभी भी आप पढ़ाई में पीछे चल रहे हैं तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए। आपको पता है डेली हम सुबह 10:30 बजे आप लोगों के एक सब्जेक्ट वीडियोज़ लेके आ रहे हैं जिस पर हम लोग और एग्रेसिव होने वाले हैं, क्योंकि दिसंबर मंथ से पहले हम इस सिलेबस को कवर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेबस हमारे साथ कवर हो जाए फ्री में सब कुछ, तो बिल्कुल चाहे तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे इस चैनल पर। मैं आपको बाकी सब्जेक्ट के बारे में बताना चाहूँगा, लाइफ साइंस के बारे में। लाइफ साइंस का सिलेबस काफ़ी इजीली डिजाइन किया गया था, आपको पता है फर्स्ट 3 चैप्टर्स को रखा गया जिसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ है, और हेरिडिटी एंड कॉमन जेनेटिक डिजीज है। सिलेबस के बारे में मैं यहाँ कहूँगा कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को पूरा कीजिए। कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के अंदर में 2 चैप्टर्स आते हैं, इसके अंदर में सबसे पहले आपको सेल डिवीजन पढ़ाया जाता है, उसके बाद रिप्रोडक्शन। मेरा सजेशन होगा कि आप सेल डिवीजन वाले पोर्शन को जरूर कंप्लीट करें, और अगर आपके पास टाइम बचेगा तो आप यहाँ से उस नेक्स्ट वाले पोर्शन जिसमें हम लोग हमारे पास रिप्रोडक्शन है वो भी जरूर पढ़ लें। यानी कि यहाँ पर मिनिमम आपको इस चैप्टर का हाफ पोर्शन जिसमें हम लोगों को सेल डिवीजन पढ़ना है ये जरूर कंप्लीट करना है, और अगर टाइम बचे तो रिमेनिंग। लाइफ साइंस के सिलेबस के बारे में मैंने आपको आइडिया दिया, मैं अब आप लोगों को हिस्ट्री के सिलेबस की तरफ लेके चलूँगा। हिस्ट्री में ऐसे कोई ब्रांचेस नहीं है, सारे चैप्टर सिक्वेंसली है। आपको बताया जाए आइडियाज ऑफ हिस्ट्री सिर्फ ऑब्जेक्टिव का चैप्टर है, और इसके बाद की जो 4 चैप्टर्स है वो मेजर चैप्टर्स है। इसलिए मेरा सजेशन होगा कि आप 2 और 3 रिफॉर्म्स और रेजिस्टेंस एंड रेबेलियन इन दोनों चैप्टर्स को जरूर अच्छे से कंप्लीट करें। 4 और 5 के लिए अभी आप रख सकते हैं, उनको आप बाद में कीजिए। फर्स्ट हाफ दिसंबर से पहले आप इन दोनों चैप्टर्स को जरूर कंप्लीट कर लें। तो ये होगा हमारा हिस्ट्री के लिए सजेशन कि क्या चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करने चाहिए। ज्योग्राफी के लिए हमारा सजेशन क्या है? ज्योग्राफी के लिए हमारा सजेशन कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर एक्सोजेनेटिक प्रोसेस एंड रिजल्टेंट लैंडफॉर्म्स ये एक पोर्शन है, और इंडिया इंट्रोडक्शन फिजिकल एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट एंड मैप, ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर मैं इससे बात करूँ कि इसके फिजिकल ज्योग्राफी के पोर्शन, तो ये जो एक्सोजेनेटिक प्रोसेस है वो फिजिकल ज्योग्राफी का पोर्शन है, और इंडिया जो है वो रीजनल ज्योग्राफी है। तो ज्योग्राफी के अंदर में भी ब्रांचेज होते हैं, जो 2 ब्रांचेज है उन दोनों ब्रांचेज में से आपको कुछ ना कुछ जरूर पढ़ना पड़ेगा। तो मैं यहाँ सजेस्ट करूँगा कि अगर आप एक्सोजेनेटिक प्रोसेस के एंड रिजल्टेंट लैंडफॉर्म्स को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर इस चैप्टर को आप पूरा पढ़ लीजिए। यहाँ कुछ बात देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है वर्क ऑफ रिवर कंप्लीट करने के बाद जब आप बाकियों को पढ़ेंगे तो वो कंपेरेटिवली एक जैसे ही आपको पढ़ाए जाते हैं, तो बहुत इजीली आप उनको कंप्लीट कर सकते हैं। इसीलिए उनको पूरा पढ़ लीजिए, लेकिन जब आप इंडिया में एंटर कीजिएगा तो इंडिया में एंटर करने के बाद सिर्फ फिजिकल एनवायरनमेंट पढ़िए, इसका इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट और मैप पॉइंटिंग को छोड़ दीजिएगा। यानी कि फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इसके इंट्रोडक्शन को बहुत सारे बुक में इसे चैप्टर नंबर 5 के हिसाब से दिया जाता है, और इसे चैप्टर नंबर 6, तो आप चैप्टर नंबर 5 को जरूर कवर कर लें। ये मेरा सजेशन होगा आप लोगों को ज्योग्राफी में। मोर और लेस हमने अपने सारे सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ लिया है, सारे सब्जेक्ट्स के बारे में जो सजेशन मेरे थे वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, एंड आई होप कि आपको एक क्लैरिटी मिल रही होगी कि दिसंबर मंथ से पहले अगर दिसंबर मंथ में ऐसा कोई अनाउंसमेंट आता है तो आपको किन किन चैप्टर्स का, किन किन सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करना है।
ये था हमारा आज का वीडियो। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को सिलेबस दिसंबर मंथ के लिए बताया है। अगर आप लोगों को लगता है कि ये सजेशन आप लोगों के लिए अच्छा है तो इस वीडियो को एक लाइक दे सकते हैं, और अगर लगता है कि ये आपके लिए किसी काम का नहीं है तो वीडियो को डिसलाइक दे दें। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के सारे इन्फॉर्मेशंस आप तक प्रॉपर टाइम पर पहुँचते रहें तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतने दूर रहेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर।